हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ इंक्लूड्स कॉपीराइट के बारे में और ये आपके चैनल पर क्या प्रभाव डालती है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और अगर आपके चैनल में इंक्लूड कॉपीराइट है तो क्या उससे अर्निंग होगी या फिर नहीं होगी, मैं इस वीडियो में आपको पूरा बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए और लाइक करिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इंक्लूड कॉपीराइट होता क्या है। जैसे हमारा कोई कॉमेडियन चैनल है या फिर फनी चैनल है तो उसमें हम किसी दूसरे का म्यूजिक यूज कर लेते हैं तो उससे हमें इंक्लूड कॉपीराइट मिल जाती है। ये यूट्यूब पॉलिसी के खिलाफ होता है। तो कुछ इस तरह देखने को मिल जाता है जिसमें वीडियो के बगल में सी का आइकन दिखाई देने लगता है। अगर आपके चैनल में इंक्लूड कॉपीराइट है तो उससे कोई स्ट्राइक नहीं मिलती। कुछ गंभीर मामलों में कॉपीराइट ओनर स्ट्राइक दे सकता है। अगर आपके चैनल में कॉपीराइट है तो उससे आपके वीडियो पर रोक लगाई जा सकती है। तो ऐसे में आपका वीडियो किसी को नहीं दिखाई देगा। ये कॉपीराइट ओनर पर डिपेंड करता है या फिर आप वीडियो में जो म्यूजिक यूज हुआ है उसको म्यूट किया जा सकता है। कुछ मामलों में कॉपीराइट ओनर कुछ प्लेटफार्मों पर हमारे वीडियो जो होते हैं उस पर रोक लगा सकते हैं, जिससे वो आपके चैनल में तो रहेंगे मगर दिखाई नहीं देंगे। कुछ मामलों में कॉपीराइट ओनर आपकी वीडियो से अर्निंग भी करते हैं, तो जो एड आएगा वो उसकी अर्निंग कॉपीराइट ओनर को मिलेगी और यहाँ पे उनके पास सभी अधिकार सुरक्षित होते हैं। अब बात आती है कि अगर हमें इंक्लूड कॉपीराइट मिला है तो हम क्या कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर आपको सच में किसी म्यूजिक को यूज किया है और आपका म्यूजिक नहीं है तो आप इसके लिए कुछ मत करिए, या फिर आप इसके लिए उस म्यूजिक को हटा सकते हैं। तो हटाने के लिए आप यहाँ इंक्लूड कॉपीराइट जो है वहाँ पे क्लिक करना है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी एड आएंगे वो कॉपीराइट ओनर के पास जाएगा और उसका अर्निंग जो है कॉपीराइट ओनर को होगी। तो यहाँ से आप अगर रिमूव कर देते हैं सॉन्ग को तो वो अर्निंग आपको मिलने लगेगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं रिमूव सॉन्ग है, उस पर क्लिक करके आप सॉन्ग को रिमूव कर सकते हैं या फिर आप उसी सॉन्ग किसी दूसरे सॉन्ग को लगा सकते हैं। ये यूट्यूब द्वारा दिया जाता है तो इसके लिए आपको आइडियो ऑप्शन पर जाना पड़ेगा और यहाँ से आप पहले वाले आइडियो को हटा के नया चेंज कर सकते हैं और यहां से आप डाउनलोड करके अपने प्रोजेक्ट्स में वीडियोज में लगा सकते हैं। कुछ मामलों में कॉपीराइट ओनर आपसे आय शेयर भी करवा सकता है, इससे आप दोनों को अर्निंग होगी और कॉपीराइट ओनर भी उसकी अर्निंग लेगा और आप भी ले सकते हैं। तो कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं और इसके लिए आप विरोध भी कर सकते हैं, मगर इसके लिए आपका खुद का कॉन्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ से आप अपना दावा कर सकते हैं और क्लेम कर सकते हैं कि मेरा खुद का ही सॉन्ग है। तो ये था इंक्लूड कॉपीराइट और इससे प्रॉब्लम क्या होती है, ये मैंने सब बताने की कोशिश की है। अगर कुछ छूटा हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं और कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। सो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।